अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शफात हुसैन है और कल सावर आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें काफ़ी बातें उनकी मिसलीडिंग है और जिसमें उन्होंने 2018-2022 का कंपैरिजन किया है और पीडीएम की हुकूमत की जो कारकर्दगी, मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी, उसकी नाकामियां सारी इमरान खान की हुकूमत पर डाल दी है। तो उनकी वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो काफ़ी झोल है, लेकिन उनमें से कुछ बातों का जवाब देना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं एक एक करके इनके कुछ पॉइंट्स को उठा रहा हूँ। तो हम सबसे पहले जो है उनका जो पॉइंट था एम्प्लॉयमेंट के बारे में कि लेबर फोर्स सर्वे के अंदर जो नंबर बताए गए हैं वो उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे जी। आप लेबर फोर्स सर्वे आप पढ़ सकते हैं, ये 2018 का और 2021 का लेबर फोर्स सर्वे है। इसमें 2018 के लेबर फोर्स सर्वे में लिखा हुआ है कि जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल थे वो तकरीबन 61.7 मिलियन एम्प्लॉयमेंट थी, यानी कि एम्प्लॉयड लोग थे। और फिर 2021 के सर्वे में लिखा हुआ है 67.25 मिलियन। तो इससे आप आसानी कैलकुलेट कर सकते हैं, डिफरेंस ले लें, ये तकरीबन 5.6 मिलियन का जो है वो इंक्रीज बनता है, यानी कि पीटीआई के 3 सालों में तकरीबन 5.6 मिलियन जॉब्स क्रिएट हुई। तो वो सावडर साहब जो बात कर रहे थे कि कहाँ लिखा हुआ है सर्वे में, ला के दिखाएं, तो ये ले जी, ये सामने लिखा हुआ है और ये देखें। अच्छा, ये तो आसान सा जवाब था। आगे हम चलते हैं जहां पर इन्होंने बात की है जीडीपी ग्रोथ की। सावड़ा साहब ने जीडीपी ग्रोथ पर बात की है, तो हम अगर अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाएं और नेक्स्ट स्लाइड को अगर हम देखें तो इसमें अगर आप देखें कि जीडीपी ग्रोथ, अगर आप देखें ये ब्लू बॉक्स है, ये अगर आप इस ब्लू बॉक्स को अगर आप अपनी नजर में रखें जिसके अंदर सावड़ा साहब बता रहे हैं कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ पहले 4 साल में तकरीबन 4% की रेंज में ग्रो कर रही थी और इसके बाद 2018 में यानी आखिरी साल में 6.1% के हिसाब से वो ग्रो कर रही थी। तो उसके बाद वो कहते हैं कि जब पीटीआई की हुकूमत आई तो पहले साल में ये जीडीपी ग्रोथ 6.1 से कम होकर के 3.1 पे आ गई। अच्छा, यहाँ पर वो इस चीज को आर्गुमेंट बना करके कहते हैं कि पीटीआई की हुकूमत ने मईशत तबाह कर दी। तो मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि 2003 से लेकर के 2008 तक अगर आप देखें तो जीडीपी ग्रोथ तो 5%, 7% के हिसाब से ग्रो कर रही थी। उसके बाद 2009 से लेकर के 2017-16 तक जो है वो जीडीपी ग्रोथ जो है वो तो कम हो गई। तो इसका ब्लेम फिर हम किसको दें, ये जिम्मेदारी किसकी है, ये नाहेली किसकी है? तो एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल मैं यहाँ पर दोबारा इसी पॉइंट पर आता हूँ कि ये कह रहे हैं कि 6.1 बिलियन, 6.1% की हमारी ये जीडीपी ग्रोथ थी जब नून लीग छोड़ के गई है। लेकिन उसमें ये भी मैं बताता चलूँ कि ये जीडीपी की ग्रोथ हमें हमें किस कॉस्ट पे मिली, यानी हमें हमारी मईशत को ऐसा कौन सा खामियाजा भुगतना पड़ा, और वो है करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट खसारा। यानी फाइनेंशियल ईयर 18 का अगर आप देखें तो 19.2 बिलियन का करंट अकाउंट खसारा है। यानी जब आपका करंट अकाउंट खसारा इतना ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि आपके फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व पे प्रेशर पड़ेगा, आपका फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व कम होंगे, ठीक है? और इस खसारे को कवर करने के लिए, पूरा करने के लिए फिर आपको कर्जे लेने पड़ेंगे, बोरिंग करनी पड़ेगी। तो यानी हमें जो जीडीपी 6.1 की मिली उसकी हमें कीमत अदा करनी पड़ी कि हमें 19.2 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट भी साथ में मिला। अच्छा, एक बात इन्होंने और प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है वो ये कि ये कहते हैं कि पॉलिसी रेट यानी कि इंटरेस्ट रेट जो है स्टेट बैंक का जो इंटरेस्ट रेट, वो ये कहते हैं हमने 5.6 पे रखा हुआ था और इसको ये यानी क्रेडिट ले रहे हैं इस बात का, इसके ऊपर ये अपने आप को शाबाश दे रहे हैं। हालांकि किसी भी इकोनॉमी को समझने वाले बंदे को, इन इकोनॉमिक सेंस रखने वाले बंदे को पता होना चाहिए कि जब करंट अकाउंट डेफिसिट 19 बिलियन का हो, यानी कि पहले 12 बिलियन उसके बाद 19 बिलियन, इतना हाई करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाए, 6% ऑफ जीडीपी हो जाए, ऐसे में जो है वो आपको इकोनॉमी को स्लो डाउन करना पड़ता है, आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है, आपको आपको कंजम्पशन को कम करना पड़ता है, आपको इंपोर्ट्स को कम करना होता है। तो बेसिकली आपको अपने आपके ग्रोथ में और अपने खसारे में बैलेंस बनाना पड़ता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने पॉलिसी रेट नहीं बढ़ाया जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ता चला गया, इंपोर्ट्स बढ़ती चली गई, एक्सपोर्ट्स कम होती चली गई, और अब ये क्रेडिट क्या ले रहे हैं कि हमने 6.1% की हमने हमने ग्रोथ हासिल की थी। और अच्छा, ये इन्होंने ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हुआ इसलिए कि ये 2018 जो है याद होगा आपको इलेक्शन का साल था, तो इन्होंने कहा कि यार मईशत जाए तेल लेने के लिए, हम अपनी ग्रोथ को कम नहीं होने देंगे, हम जो है वो इकॉनमी का स्लो डाउन नहीं करेंगे, हम इलेक्शन ईयर है, तो इन्होंने जो है वो सियासत की यहाँ पर भी। अच्छा, अब 3.1% पे जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पहले साल में जीडीपी को लेकर के आ गई तो उसकी रीजन यही थी कि तहरीक इंसाफ ने करेक्टिव मेजर्स किए, तहरीक इंसाफ ने ग्रोथ और खसारे के दरमियान में एक बैलेंस क्रिएट किया, यानी उन्होंने वो जो
पॉलिसी रेट और इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना था। तहरीक इंसाफ ने वो काम किया जो कि माजी की हुकूमत ने, नून लीग ने नहीं किया था, जिसकी वजह से आप देखें कि इम्पोर्ट हमारी कम हुई पहले साल में, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है तकरीबन 12 बिलियन या 11 बिलियन का नजर आ रहा है मुझे, तो इतना करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ। तो और ये वो करेक्टिव मेजर्स थे जो उसूलन नून लीग को आखिरी साल में लेने चाहिए थे। अच्छा, आगे इसमें अगर हम चलते हैं तो ये कहते हैं कि भाई दूसरे साल में तहरीक इंसाफ की नहीं, हम मेरे ख्याल उसी फ्लैट में रहते कि जिसमें दूसरे साल में ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने -1% की जीडीपी ग्रोथ था, और इस चीज को लेकर के वो पीटीआई को ब्लेम कर रहे हैं कि मीशत को टोटल कोलैप्स कर दिया इन्होंने। हालांकि इनको पता है अच्छी तरह से कि वो कोविड का साल था, पूरी दुनिया की मीशत जो है वो क्या कहना चाहिए, कोलैप्स कर गई। यानी कि मुझे याद है कि यूरोप में -6% की जीडीपी ग्रोथ रही, आपका यूके में जो है वो -10 की रही, इंडिया में -8 की ग्रोथ थी जीडीपी ग्रोथ, तो पीटीआई के दौर में तो सिर्फ -1% की हुई है। तो इसमें तो इनको क्रेडिट देना चाहिए कि ये बहुत ही बुरा हाल हो सकता था कोविड में, लेकिन उन्होंने इसको इकोनॉमी इसको डैमेज को कंट्रोल किया इन्होंने। और फिर आखिर में मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये अगर आप देखें कि आखिर ये 2 साल है पीटीआई के, यानी 5.7% की ग्रोथ और 5.9% की ग्रोथ, ठीक है, ये इसको कहते हैं इकोनॉमी का रिवाइवल, इसको कहते हैं वी शेप रिकवरी, ठीक है। ये सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ हम जा रहे थे पिछले 10-12 साल के बाद, 10 सालों के बाद हम एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जा रहे थे। तो इसको अंडरमाइन करना जो है ना, ये सिर्फ मतलब आज आजकल के दौर में आप इस तरह से नहीं कर सकते। अच्छा, आखिरी चीज मैं बात करूंगा इस स्लाइड के अंदर, ये आप देख रहे हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है तहरीक इंसाफ का जो साल था आखिरी साल, इसमें 17.4 बिलियन का रहा। अच्छा, ये बात उन्होंने बताई कि 17.4 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट था। अच्छा, ये इसमें इन्होंने नंबर तो सही कोट किया 17.4, लेकिन बदनीयती ये है इसमें कि इन्होंने ये नहीं बताया कि पहले 10 महीने के अंदर, यानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब गई थी तो 13.7 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गई थी। ये तो सिर्फ आखिरी 2 महीने में, ये जो हमारे मतलब पीडीएम की हुकूमत आई और ये लोग जब रोजगार पे आए तो इन्होंने आकर के तकरीबन 3.7 बिलियन का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, तो सिर्फ ये पीडीएम की हुकूमत ने इंक्रीज किया। तो पीटीआई को ब्लेम कर रहे हैं कि आपने 17.4 बिलियन करंट अकाउंट डेफिसिट किया था, हालांकि वो 13.7 पे छोड़ के गए थे, 3.7 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट पीडीएम ने किया। तो ये हमने ग्रोथ पे बात कर ली, हम अब आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में, अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, बल्कि मैं कहूंगा कि आप कैलकुलेटर निकाल के बैठ जाएं। ये इसमें इन्होंने बात की कि जीडीपी अमाउंट, पहले मैंने जीडीपी परसेंटेज में बात की, अभी जीडीपी अमाउंट, ये कहते हैं हिसाबदार साहब, ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे अगर आप पढ़ें तो इन्होंने 3 नंबर हिसाबदार ने बोले। एक, इन्होंने कहा कि जब हम हुकूमत में आए थे तो पाकिस्तान का जीडीपी 244 बिलियन था, चले ठीक है। और फिर वो कहते हैं जब हम हुकूमत से गए तो हमारा जीडीपी 356 बिलियन था, तो यही कह रहे हैं कि हमने हमने तकरीबन 112 बिलियन का जीडीपी इंक्रीज किया। उसके बाद फिर कहते हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 380 बिलियन का जो है वो जीडीपी था, जीडीपी इन अमाउंट डॉलर टर्म में, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए ना, आपको ये जो जीडीपी का कॉलम है, यानी लास्ट कॉलम जो है उसको आप देखें, जिसमें जो रेड बॉक्स बना हुआ है, इसमें जीडीपी का अमाउंट लिखा हुआ है। ये है जो जीडीपी का अमाउंट जो है ना, ये रुपी टर्म में है, और ये है तकरीबन 25,100 बिलियन रुपीज, ठीक है जी। इस अमाउंट को आप अगर एक्सचेंज रेट आप देख रहे हैं 1.2, अगर आप जीडीपी अमाउंट को आप एक्सचेंज रेट से डिवाइड कर देते हैं ना, तो ये बनता है ये 244 बिलियन, ये जो हिसाबदार ने कोट किया। तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इनको 244 बिलियन की जो है वो इकोनॉमी जीडीपी साइज मिला था इनको। जब ये गए 2018 में, अब आप ग्रीन बॉक्स को देखें, ये 39,100 बिलियन के जो जीडीपी था, और एक्सचेंज रेट कितना था, 109.8 एक्सचेंज रेट था, ठीक है जी। उस हिसाब से इनका बनता है 356 का जीडीपी अमाउंट बनता है, ये भी ठीक है इनको। लेकिन यहाँ पर फनकारी ये है कि अगर आप ये रेड बॉक्स और ग्रीन बॉक्स इन एक्सचेंज रेट को अगर आप कंपेयर करें तो आप देखेंगे 102 और 109, यानी कि 2014 से लेके 2018 तक पाकिस्तान का एक्सचेंज रेट जो है वो एक इन्होंने उसको रोक के रखा, मसनूई तरीके से उसको रोक के रखा, ठीक है। वैसे जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो साइज है, उस हिसाब से हर साल जो है ना हमारे करेंसी को तकरीबन 6 से 7% डेप्रिशिएट होना चाहिए, क्योंकि देखिए हम कोई यूरोप नहीं है, हम कोई चाइना की इकोनॉमी नहीं है, हमारी करेंसी इतनी स्टेबल नहीं रह सकती, तो हमारी करेंसी को हर साल 6 से 7% डेप्रिशिएट करती है। तो ये एक्चुअल में बताना ही चाह रहा हूँ कि ये जो ग्रीन बॉक्स में आप 109 देख रहे हैं, ये तकरीबन 140 के अराउंड होना चाहिए था, यानी जब जब नून लीग की हुकूमत गई थी तो ये इनका जो एक्सचेंज रेट था 140 के अराउंड अराउंड होता। तो अगर आप जीडीपी को 140 से डिवाइड करते तो ये जीडीपी बहुत कम बनता, ये तकरीबन 275-270 बिलियन का जीडीपी बनता। तो आप समझते हैं कि ये फनकारी क्या है, या चले
फनकारी समझ लेते हैं। ये फनकारी है कि उन्होंने अपने एक्सचेंज रेट को, करेंसी को मसनूई तरीके से रोक के रखा। और यही चीज अप्लाई होती है जब ये पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, जब डॉलर में कोट करते हैं। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की थी, यानी आप पहला कॉलम देखे पर कैपिटा इनकम का, अगर आप पर कैपिटा इनकम को एक्सचेंज रेट से डिवाइड करेंगे तो ये देखेंगे ये पर कैपिटा इनकम इन डॉलर आ जाएगी, थर्ड कॉलम के नंबर। यहाँ पर भी वही वही रीजनिंग है कि अगर आप एक्सचेंज रेट को अगर 140 कर देते हैं तो इनका पर कैपिटा इनकम जो कि ये 1768 क्लेम कर रहे हैं, और क्लेम नहीं कर रहे एक्चुअली, ये ठीक है, तो ये तकरीबन 1300 के 1300 डॉलर तकरीबन इनका बनना था इनका। तो मेरे ख्याल में आपको बात समझ में आ गई होगी ये किस तरह से जीडीपी करेंसी को इन्होंने रोक करके मसनू तरीके से इन्होंने इकोनॉमी को अपने नंबर्स को इम्प्रूव किया है या अच्छा दिखाया है इन्होंने। अच्छा, अब मजीद हम आगे चलते हैं। इन्होंने तीसरी बात जो की है, अगली स्लाइड पर हम चलें, इन्होंने तीसरी जो बात की है वो की है गर्दशील कर्जा, यानी कि सर्कुलर डेट। अच्छा, सर्कुलर डेट के ऊपर ये कहते हैं कि भाई हम जब हुकूमत में आए थे तो 1100 अरब का सर्कुलर डेट था, और जब तहरीक साहब की हुकूमत जब गई तो ये तकरीबन 2400 अरब का सर्कुलर डेट था। तो देखें, अगर इनको भी समझ में आती है ये बात, और अगर किसी जमात को अगर आप ब्लेम कर सकते हैं ना कि ये गर्दिशी कर्जे के लिए, ये हमारे माजी की हुकूमतों को ब्लेम करें जिन्होंने इंपोर्टेड फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट्स लगाए। उन पावर प्लांट्स को चलाने के लिए हमारी हुकूमतों को, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को और आने वाली हुकूमत को, इनको अब इम्पोर्ट करना पड़ेगा, एलएनजी इम्पोर्ट करनी पड़ेगी, कोल इम्पोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, जिसकी वजह से महंगी बिजली प्रोड्यूस होगी। जब महंगी बिजली प्रोड्यूस होगी तो गर्दिशी कर्जा बढ़ेगा। मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक टॉक शो में बता रहे थे कि मई जून में तकरीबन 80 रुपए फी यूनिट के हिसाब से हुकूमत इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही थी, जनरेशन और ट्रांसमिशन मिला करके, और ये और आवाम को ये 35 रुपए में दे रही थी, यानी कि 25-45 रुपए का गर्दशी कर्जा बढ़ रहा था, ठीक है। तो ये तहरीक इंसाफ की गलती नहीं है, ये गलती है जो माजी की हुकूमतों ने जो पावर प्लांट्स लगाए, आईपीपीस जो लगाए, उनकी उनका उनकी ये देन है, ठीक है। अब मैं इस नंबर्स पे आ जाता हूँ। यहाँ पर आप जो जो पिंक कॉलम है जिसमें मैंने कैपेसिटी पेमेंट लिखी हुई, ये है फसाद की वो जड़, कि जैसे जैसे हमारी कैपेसिटी पेमेंट बढ़ रही है, आप देखो उसी प्रपोर्शन से, उसी तनासुब से जो है वो हमारा गर्दिशी कर्जा यानी सर्कुलर डेट बढ़ रहा है, दोनों के परसेंटेज कॉलम में अगर आप देखें। तो मेरा पॉइंट मैं स्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ कि ये अच्छा, ये कैपेसिटी पेमेंट क्यों बढ़ रही है, क्योंकि आईपीपीस के साथ मुआहदे हमने टेक एंड पे बेसिस पे किए, यानी हम बिजली खरीदें या ना खरीदें हमको पेमेंट करनी है। तो यानी जब नून लीग का पहला साल था तो 200 अरब की कैपेसिटी पेमेंट थी, नून लीग का आखिरी साल था तकरीबन 470 की थी, तहरीक इंसाफ की हुकूमत का आखिरी साल था वो 470 की कैपेसिटी पेमेंट जो है वो 1200 अरब पे पहुंच गई, ठीक है। अभी 2023 यानी अभी जो रवा साल चल रहा है, जो किसके नंबर अभी आएंगे जून के बाद, इसमें कहा जा रहा है कि तकरीबन कैपेसिटी पेमेंट हमारी 1300-1350 अरब की कैपेसिटी पेमेंट होगी। 1300 अरब, 1350 अरब हमारा एक हमारा फौजी बजट है, हमारा हमारी पूरी फौज चलती है इस रकम के ऊपर, तो आप अंदाजा लगा लें। और सर्कुलर डेट की हम बात करें तो सर्कुलर डेट जो ये कह रहे हैं ना कि ये 2.4 बिलियन पीटीआई की हुकूमत ने छोड़ा, मैं इनकी इतला के लिए अर्ज करूं, और इनकी इतला क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर इनको पता है अच्छी तरह से कि ये 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर है जिसमें ये करता धरता है, जिसमें ये हुक्मरान है, इसमें इनका जो पर आपका जो सर्कुलर डेट है इसमें तकरीबन 1500 अरब रुपए का इसमें इजाफा होगा, ये तकरीबन 4-4.25 हजार पे आपका जो सर्कुलर डेट पहुंच जाएगा। आप पीटीआई को 2.4 बिलियन पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये 4-4.25 हजार पे पहुंच जाएगा जब आपकी हुकूमत जाएगी इस साल की। तो अच्छा, तो बताने का मकसद ये है कि ये जो आपने कैपेसिटी पेमेंट की तलवार जो है ना, इस दफा इस साल आपकी हुकूमत खुद इसके अंदर कटेगी, क्योंकि कैपेसिटी पेमेंट की तलवार अब आपके ऊपर लटक रही है, अगली हुकूमत आएगी कैपेसिटी पेमेंट की तलवार उनके ऊपर लटकेगी। और इस यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये कैपेसिटी पेमेंट ये 2028 तक, ये मैं पिंक कॉलम की बात कर रहा हूँ, 2028 तक कैपेसिटी पेमेंट जो है ये तकरीबन 5000 अरब पे चली जाएगी। 5000 अरब का मतलब है कि हम अपने जो चार सूबों को जो रकम देते हैं ना सूबा चलाने की, ये उसके बराबर की रकम है। ये रकम हम सिर्फ और सिर्फ आईपीपीस को देंगे कैपेसिटी पेमेंट की मद में, क्योंकि माजी के हुक्मरानों ने एक ऐसा डिजास्टर किया है, ऐसा ब्लंडर किया है, उसकी वजह से। ये अखबार की हेडिंग है, अगर कोई डिटेल पढ़ना चाहे कि किस तरह से आईपीपीस को हमने फायदा पहुंचाया है, तो वो इस अखबार की हेडिंग को पढ़ सकता है, जाकर डिटेल्स ले सकता है। तो अब हम जो है वो
कंक्लूड करते हैं, वीडियो हमारी लंबी हो गई है, नेक्स्ट लास्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। तो ये कोट कर रहे थे कि सालडर साहब के, मैं आपको बता रहा हूँ ये इकोनॉमिक सर्वे के नंबर्स हैं, ये इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के नंबर है। तो सर जी ये है इकोनॉमिक सर्वे के रिपोर्ट के नंबर, आपने अपनी मर्जी से जो है ना वो दिखा दिए। ये देखिए आपकी इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट बता रही है कि 5.9% की ग्रोथ थी, आपकी इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट बता रही है एग्रीकल्चर 4.4% से ग्रो कर रहा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर 7.2% से ग्रो कर रहा था, आपकी एक्सपोर्ट 39% से ग्रो कर रही थी, यानी कि पाकिस्तान इनके दौर में तो मेरे ख्याल में 5-7% कमी आई थी, यहाँ 30-40% का इजाफा हुआ है। तो इस तरह की कॉन्फ्रेंस करके आप आवाम को बेवकूफ नहीं बना सकते, ये 90 की दिहाई नहीं है, लोगों को पता है इन्फॉर्मेशन कहाँ से निकाली जाती है, कैसे निकाली जाती है। आप इमरान खान साहब को चैलेंज कर रहे हैं कि आगे मनाजरा कर ले, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने लूप होल्स हैं, इतने झूठे हैं इसमें कि मेरे जैसा एक क्या कहना चाहिए कि जो प्रोफेशनल भी नहीं है वो इस आपकी इन चीजों को जो है उसने आइडेंटिफाई कर लिया। मेरे ख्याल से हम यहाँ पर अपनी बात को खत्म करते हैं, मुझे इजाजत दे, अल्लाह हाफिज।